नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ अक्षय। देश का लोकतंत्र इस देश की खूबसूरती का एक अभिन्न अंग है, जहां पर जनता का जनता के लिए और जनता द्वारा शासन के एक सूत्र पर चलते हुए हर एक नागरिक को समानता के साथ स्वेच्छा से जीने का अधिकार दिया जाता है। लोकतंत्र की आत्मा संविधान को कहा जाना अतिशयोक्ति नहीं होगा, और इसी संविधान का प्रियम्बल यानी संविधान की प्रस्तावना भी समाज के हर व्यक्ति के लिए समता और न्याय की बात करता है। कानून दरअसल हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद है, लेकिन सही जानकारी न होने या फिर कानूनी पेचीदगियों के चलते एक हिस्सा सही समय पर न्याय हासिल करने में असमर्थ महसूस करता है। और इसी अंतर को खत्म करने के लिए इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन के इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन में हम यहाँ पर मौजूद रहते हैं, आपकी हर कानूनी समस्या में आपकी सहायता के लिए। आज जिस विषय के साथ हम आपके सामने मौजूद हैं वो है भारतीय खाद्य संरक्षा से जुड़े कानून से जुड़ा। इसके साथ अगर किसी भी तरह की कोई और कानूनी अड़चन, कोई और कानूनी समस्या है तो भी आप हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं, सवाल कर सकते हैं, जिसका वाजिब जवाब हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आज का विषय एक बार फिर हम आपको बताते हैं, भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम यानी FSSAI अधिनियम है क्या? इससे संबंधित अगर कोई प्रश्न आपके जहन में है या फिर इसके अलावा भी किसी तरह की कोई कानूनी अड़चन है तो आप हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं, अपना सवाल कर सकते हैं, जिसका वाजिब जवाब हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। फोन लाइन खुल चुकी हैं, टेलीविजन स्क्रीन पर जो दो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, नंबर्स पर कॉल करके आप हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं, अपना सवाल कर सकते हैं। या तो भारतीय खाद्य संरक्षा से जुड़े क्या कुछ कानून है, इससे संबंधित कोई प्रश्न है या फिर किसी भी तरह की कोई कानूनी समस्या है तो भी आप हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। आज इस विषय पर ज़्यादा चर्चा और बातचीत के लिए तीन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात अपने इन अतिथियों से। मेरे साथ जैनेन्द्र कुमार ओझा हैं नोएडा स्टूडियो से, आप अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के। साथ ही सुनीता शर्मा जी हैं, आप अधिवक्ता हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट के, और बीके सिंह जी हैं, आप अधिवक्ता हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के। बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। शुरुआत जैनेन्द्र जी मैं आपसे ही करूंगा, हम चाहेंगे कि आप दर्शकों को बताएं कि आखिर ये FSSAI है क्या, कैसे फूड प्रोडक्ट्स पर निगरानी रखता है। फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड एक्ट है ये, फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड एक्ट 2006 में बना था। इसमें जितनी भी खाने पीने की चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें इसी से गवर्न होती हैं, चाहे आपका ठंडा कोई आप कोई भी पेय पदार्थ लेते हैं या जितनी भी मार्केट में पैकेजिंग की जितनी चीज़ें हैं, जितनी भी पैकेट में सामान आपके बिकते हैं, जितनी मैन्युफैक्चरिंग हो, जितनी भी खाने पीने की सारी चीज़ें जो भी हमारे सोसाइटी में हैं या हम विदेश से जो इम्पोर्ट करते हैं वो सारी चीज़ें, सारी चीज़ें इसी से गवर्न होती हैं। और इसका मेन पर्पज़ है इसका कि लोगों का जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है, जो हमारे पब्लिक हेल्थ की बात होती है, उन चीज़ों को कैसे हम अच्छा रखें, कैसे हम एक हेल्दी सोसाइटी का निर्माण करें। ये एक मेन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से आता है, जिस कॉन्स्टिट्यूशन का 47 आर्टिकल जो है उसी से गवर्न होता है, जिसमें की चर्चा की गई है कि लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड और पब्लिक हेल्थ ये स्टेट की ड्यूटी है कि ये प्रॉपर ढंग से इस चीज को इम्प्लीमेंट करे सोसाइटी में कि हाउ कैन इम्प्रूव आवर सोसाइटी और हेल्थ मैनर। हेल्थ मतलब किसी भी चीज को कुछ ऐसे अच्छे ढंग से कि ताकि लोगों को कभी भी इस एक्ट में जितनी भी सारी चीजें दी गई हैं कि आप अपना पब्लिक हेल्थ और सोसाइटी का हेल्थ, जिससे कि बहुत बार होता है ऐसा कि आप कुछ खाने पीने के पैकेज के सामान ले लेते हैं और वो बाद में चल के पता चलता है कि आपको फूड पॉइजन हो गया। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई पेय पदार्थ ले रहे हैं किसी भी ब्रांड का और उसमें पता चलता है कि कोई कीड़ा मिल गया, तो इन सब चीजों को आप क्लेम जो है इसी एक्ट के अंतर्गत करते हैं और इसका जो है इसमें कंपनसेशन, इसमें लास्ट जो पनिशमेंट है वो लाइफ इंप्रिजमेंट की बात की गई है कि अगर मिनिमम इसमें 59 जो सेक्शन है, सेक्शन 59 के अंतर्गत जो है इसमें लाइफ इंप्रिजमेंट की बात की गई है और पूरे के पूरा मतलब अगर आप थोड़ा सा अगर किसी की डेथ होती है तो आपको लाइफ इंप्रिजमेंट, अगर आप कोई ऐसा चीज मैन्युफैक्चर किए हैं या सेल किए हैं और उसमें अगर किसी की डेथ हो जाती है तो आपको लाइफ इंप्रिजमेंट की सजा हो सकती है जिसने भी मैन्युफैक्चर किया है। अगर ग्रीवियस हर्ट होता है कोई चीज के खाने से, कोई भी पैकेज की वस्तु है या कहीं दुकान से आप लिए हैं और उसमें आपको अगर ग्रीवियस हर्ट हुआ है तो इसमें 6 साल तक की सजा हो सकती है और इसमें 10 लाख तक की जुर्माना की भी बात की गई है कि जब अगर उसके बाद अगर कम इसमें फिर 65 जो सेक्शन है उसमें कंपनसेशन की भी बात की गई है कि जो भी LR होगा, लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द विक्टिम,
जो उसके 5 लाख रुपए भी उनको मिलेंगे। तो बहुत ही ब्रॉड कॉन्सेप्ट के साथ इस एक्ट का निर्माण किया गया है। और जो मिल्क में हमारे आए दिन सुनने को मिलती है कि मिल्क में ये चीजें मिलावट आ गई, ये चीजें मिल्क में मिला दी गई, तो इन सब चीजों को इसी में गौर किया जाता है। इसमें आईपीसी भी, आईपीसी का जो सेक्शन है 272 वो भी इसी से गौर होता है कि उसमें भी है कि मिल्क में या कोई चीजों में आप मिलावट करके दूध जो है मार्केट में बेच देते हैं आप, ये सारी चीजें जो है इस एक्ट से और आईपीसी मिला करके दोनों से गवर्न होती हैं। काफी ब्रॉड बिल्कुल और भी तमाम बारीकियों को हम समझने की कोशिश करेंगे। अपने दर्शकों से भी हम बार बार अपील कर रहे हैं कि अगर किसी भी तरह की कोई कानूनी अड़चन, कोई कानूनी समस्या आपके जहन में चल रही है, कोई रास्ता आपको नजर नहीं आ रहा, तो अब आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पर मौजूद हैं आपकी निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए। लीगल हेल्पलाइन आपका अपना शो है, शो के माध्यम से आप भी हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं, अपना सवाल कर सकते हैं और क्या बेहतर कानूनी विकल्प हो सकता है इस बात का जवाब हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। बीके सिंह जी, मैं आपके पास आऊँगा। FSSAI के कार्यक्षेत्र और अधिकार क्या क्या हैं? और चले शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है। सुनीता शर्मा जी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है तो ये सवाल मेरा आपसे, कार्यक्षेत्र और अधिकार के बारे में आप थोड़ा परिभाषित करें। इसका कार्यक्षेत्र जहां पर भी अगर किसी खाद्य पदार्थ में मिलावट पाई जाती है या किसी पेय पदार्थ में मिलावट पाई जाती है, चाहे वो पैक्ड सामान हो चाहे वो खुला सामान हो, तो उसकी शिकायत आप कर सकते। फूड एनालिस्ट होता है, वो आएगा, वो फूड एनालिसिस के लिए भेज देगा और यदि वो पाया जाता है कि वो विषाक्त था या उसमें कुछ मिलावट थी, तो इसकी फिर उसको सजा मिलेगी जिस जहां का ये बना मैन्युफैक्चर्ड होगा। और इसके लिए तो फूड अथॉरिटी है और इसके लिए जो है एड है, इसके लिए हर 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 प्रदेश में, हर स्टेट में जी। और जिले में भी है इसका। खाद्य पदार्थ जो भी अगर गलत पाया या किसी को नुकसान हो गया तो इसमें सजा का प्रावधान है और जो प्रावधान है और इसमें आईपीसी सेक्शन 272 में भी इसका है कि यदि कोई सामान मिलावट करके बेचता है या बेचने का इंटेंशन रखता है तो उसको सजा मिलेगी, जहां का होगा वहीं पर। चले, आपकी आवाज ठीक ढंग से हम तक नहीं पहुंच पा रही है। जैनन जी, मैं आपके पास आऊंगा। फूड प्रोडक्ट्स के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है? आप जो भी मैन्युफैक्चरिंग, अगर आप कोई भी चीज का मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो आपको तो रजिस्ट्रेशन कराना होता है। उसमें आपको एक सैंपल भी आता है जो ग्रीन कलर का होता है, उसमें ये दिखाना पड़ता है कि हाँ आप ये नॉनवेज है या वेज है या कुछ और भी एक ब्रांड का कुछ नाम आता है करके, कि उसमें आप स्टैंडर्ड जो है इसका, जो ये एक्ट है हमारा फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड एक्ट है, कि आप स्टैंडर्ड जो हमारा एक मानक है उसको आप फुलफिल करते हैं कि नहीं, उस स्टैंडर्ड को करते हैं कि नहीं। इसके प्रीएम्बल में भी चर्चा की गई कि साइंस बेस्ड आपका प्रोडक्ट होना चाहिए। इसके प्रीएम्बल जो है उसमें ये बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है कि साइंस बेस्ड आपका प्रोडक्ट होना चाहिए, कि जो भी हमारी टेक्नोलॉजी है उसके द्वारा इसमें न्यूट्रिशन की क्या है, क्या इसमें कुछ ऐसी चीजें नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है, मैं एक बार प्रैक्टिकल देखने गया था कि दुकान में एक सामान मिल रही थी, एक मीट का वो दिया हुआ था, पैकेज था जिसमें दिखा रहे थे कि 6 महीने तक ये मीट जो है मटन वो पैकेज है, पैकेट में है और ये 6 महीने तक आप बेच सकते हैं। तो उसका मैंने बहुत बारीकी से किया था कि उसको कितने डिग्री टेम्परेचर में उसको कहाँ रखेंगे आप, इसकी सारी गाइडलाइन है उसपे, कि आप जब भी चीजें ये आती हैं तो उसके सारी गाइडलाइन को देखा जाता है। और उसमें मैडम एक चीज बता रही थी, उसमें मैं बता दूं कि इसमें फूड सेफ्टी ऑफिसर होते हैं, उनसे शिकायत की जाती है कि आप फूड सेफ्टी ऑफिसर होता है, पहले फूड इंस्पेक्टर हुआ करते थे और इसको अमेंड करके इसमें ला दिया गया है कि फूड सेफ्टी ऑफिसर होते हैं, उनसे आप डायरेक्ट शिकायत कर सकते हैं। ये हर सर्किल में होते हैं, उनसे डायरेक्ट आप इसकी शिकायत कर सकते हैं जी। बीके सिंह जी, मैं आपके पास आऊंगा अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। जैसा कि हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि किस तरीके से काम करता है उद्देश्य, क्या आपको लगता है कि FSSAI अपने उद्देश्यों को पूरी तरह से अंजाम दे पा रहा है? नहीं, ऐसा है कि अभी तक फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 उत्तर प्रदेश में अपने अचीवमेंट में हार्डली 30% कामयाब हुआ है। देखिए, ऐसा है कि एक तो एक्ट 2006 में आया जी, तो इसको लागू करने में सरकार को कई साल लग गए, लागू भी कर लिया तो इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है,
आज की तारीख में इतनी पीआईएल और इतने ऑर्डर्स होने के बावजूद उत्तर प्रदेश में खाली एक एनएबीएल लैब है। यदि किसी का आप सैंपल कराते हैं, फर्ज कीजिए कि आपको अगर मिठाई में फंगस मिला, तो यू हैव नो एनी लैब फॉर द टेस्टिंग। उत्तर प्रदेश में अभी तक केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सारे घोड़े खोल देने के बाद केवल 30%। अगर आप रात में जाइए होटल में खाना खाइए, अगर आपको एडल्ट्रेशन मिला तो आपके पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है कि तुरंत उसकी सैंपलिंग हो सके जी। इसके अलावा अगर आप सेल्फ सैंपलिंग चाहिए तो हमारे यहाँ होटल में हम पहुंचे तो उसकी सैंपलिंग खुद नहीं करा सकते, इसलिए कि हमारे यहाँ ज्ञान का बहुत अभाव है। इन्होंने आज तक जो काम किया है वो हाईकोर्ट के आदेश से किया है। इस विभाग में देखिए ना डिप्टी कमिश्नर है, ना ज्वाइंट कमिश्नर है, ना कमिश्नर है, तो पूरा का पूरा विभाग का जो ढांचा है वो बिल्कुल खत्म सा हो चुका है। एक्ट खाली कागज पे लागू है जी। अभी देखिए कि इस समय लखनऊ में बहुत बड़ी कंपनी का दूध पकड़ा गया, अब उसमें पुलिस में और एफडीए में बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रही है, तो अभी हमारे यहाँ बस खाली कागज पे लागू है। इस एक्ट के तहत आज तक किसी को एक भी सजा नहीं हुई है। अगर यही चीज फूड एडल्ट्रेशन एक्ट में होती तो आप ये समझिए कि दूध वाले अब तक कई लोगों को सजा हो चुकी जी। इस एक्ट के तहत अभी हमारा जो समझना है एक आदमी को सजा नहीं हुई है। चले तो बिल्कुल आज हम इसीलिए इस विषय को भी लेकर आए हैं ताकि इस अधिनियम की मजबूती क्या क्या है और अभी भी क्या कुछ कमजोरियां हैं, उन कमजोरियों को कैसे दूर किया जाए, इसीलिए आज हम इस विषय को भी लेकर आए हैं। कॉलर हमारे साथ भूपेन जी जुड़ गए हैं। भूपेन जी बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल कीजिए। भूपेंद्र जी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? जी हाँ पहुंच पा रही है सर। जी सवाल कीजिए। सर मैं एक जानकारी लेना चाह रहा हूँ सर, मेरे बाबा गांधी इंटर कॉलेज सिंधौस में क्लर्क थे जी, और उनको सर सस्पेंड कर दिया गया सन 78 में, और सर अब आके सन 14 में अदालत में दोष मुक्त रिहा करते हैं, और हमने क्लेम किया है लेकिन सर हमारे यहाँ कोई सुनवाई नहीं कर सकते, तो मैं इसके बारे में जानकारी लेना चाहूँगा। सुरीता शर्मा जी क्या उपाय बताएंगे ना? इनका सवाल क्या है जरा फिर से रिपीट करें। इनका सवाल यह है कि इनके दादाजी शायद इंटर कॉलेज में टीचर थे, उन्हें किसी कारण बस सस्पेंड किया गया था, लेकिन अब जाके फैसला उनके पक्ष में आया लेकिन सुनवाई नहीं हो पा रही है, कोर्ट के माध्यम से ये कोई रास्ता अख्तियार कर सकते हैं? अगर इनके पक्ष में ऑर्डर है तो ये कंटेम्प्ट फाइल कर सकते हैं उसको पालन कराने के लिए जी। हाँ जी चलिए बिल्कुल उम्मीद करते हैं भूपेंद्र जी, जो सुनीता शर्मा जी ने आपको तरीका बताया, जो उपाय बताया कि आप कंटेंट का केस भी कर सकते हैं और इंसाफ आपको जरूर मिलेगा। हम अपने दर्शकों से भी बार बार अपील करते हैं कि अगर किसी भी तरह की कोई कानूनी समस्या है, कोई रास्ता कोई उपाय नजर नहीं आ रहा, तो अब आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। और आज जिस विषय पर हम चर्चा के लिए यहाँ पर मौजूद हैं, भारतीय खाद्य संरक्षा से जुड़े क्या कुछ कानून है इससे संबंधित भी अगर कोई प्रश्न आपके जहन में है तो भी आप हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। जो हम गुणवत्ता को लेकर भी बात जैनेन्द्र भी लगातार कर रहे हैं कि कहाँ पर कमजोरियाँ हैं और कहाँ पर इस अधिनियम की उपलब्धियाँ भी हैं, उस पर भी हम बातचीत कर रहे हैं। हाल ही में मैगी को लेकर खूब विवाद हुआ था, देखा था ये किस तरीके से FSSAI काम करता है, क्योंकि क्या शिकायतों के बाद ही सैंपलिंग होती है, उसके बाद ही जांच पड़ताल होती है? हेलो नहीं, इसमें सुओ मोटो कॉग्निजेंस भी ले सकते हैं, अगर किसी अधिकारी को अगर पता चल गया कहीं से भी, जैसे इसमें बात होती है कि कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन उनको मिल गया है कि हाँ यहाँ पे ऐसी चीजें बिक रही हैं, तो वो डायरेक्ट जो हमारा फूड सेफ्टी ऑफिसर है वो डायरेक्ट वहाँ जा करके भी सैंपलिंग ले सकते हैं कि हाँ इस टाइप की चीजें यहाँ बिक रही हैं जो पब्लिक हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, और इसको लेकर के वो थाने से हो जहाँ से जो हेल्थ हो, क्योंकि इसमें बड़े बड़े लोग भी शामिल होते हैं। बहुत बार हम लोग देखते हैं कि दीपावली के मौके पे, दशहरा के मौके पे मिठाई और खोवा की जो आते हैं इसमें काफी मिलावट होती है, और जो पब्लिक हेल्थ के लिए काफी बुरा होता है कि इनको ये चीज नहीं पता होता है कि ये अपने पैसे बनाने के चक्कर में, ये बड़े बड़े लोग होते हैं जिनके यहाँ कुछ भी करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो इसको लेकर के, और इसमें जो सेक्शन 69 उसमें कंपाउंडेबल ऑफेंस की बात की गई है कि इसको कंपाउंड भी आप, जैसे कंपाउंडेबल ऑफेंस मीन्स की जैसे कि कोई चीज छोटी पीटी ऑफेंसेज हैं उसमें आप बैठ करके बात करके उनको कुछ कंपनसेट करके और इसमें कर लेते हैं, इसीलिए इस डायरेक्ट आप सैंपलिंग के लिए भी जो फूड सेफ्टी ऑफिसर हैं वो जा सकते हैं।
वीके सिंह जी, मैं आपके पास ही आऊंगा, जो आप कमजोरियों पर भी जो ध्यान आकर्षित कराने की कोशिश कर रहे थे कि सैंपलिंग को लेकर काफ़ी परेशानियां होती हैं, क्योंकि केंद्रीय प्रयोगशालाओं में खाद्य पदार्थों को जांच पड़ताल के लिए भेजा जाता है, सिर्फ जो जो प्रयोगशालाएं हैं जहां पर जांच पड़ताल की जाती हैं, इनकी कमी ज़्यादा है, इसकी वजह से ये दिक्कत ज़्यादा और बढ़ती है, या फिर और कहाँ पर आप कमियाँ देख रहे हैं? माफियाज हैं, ये एक तरह से कारपोरेट हैं। अब आप देख, अभी मैगी की आपने बात किया जी, ये मैगी में जो बहराइच से सैंपल लिया गया और उसमें वो साल्ट पाया गया, तो इन्होंने क्या किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट नाश बदल दिए। अब मैगी अगर किसी की सैंपलिंग होगी तो जो साल्ट जिसपे था कि वो हार्मफुल फॉर द हेल्थ है, तो उसका इन्होंने मानक बदल दिया। देखिए, तीन तरह से लाइसेंस हमारे दिया जाते, एक सेंट्रल गवर्नमेंट, एक स्टेट गवर्नमेंट, एक रजिस्ट्रेशन। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो बड़े बड़े औद्योगिक घराने हैं उनको फूड का लाइसेंस देती है, लेकिन मॉनिटरिंग वो नहीं करती है, मॉनिटरिंग का जिम्मा स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया। और छोटे छोटे जो व्यापारी हैं, ठेले वाले, खोमचे वाले, इनका रजिस्ट्रेशन होता है। जैसे ये जो बड़े घराने हैं, ये हिंदुस्तान लीवर वगैरह है, इनको सबको जो लाइसेंस देती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने लाइसेंस तो दे दिया, लेकिन ना वो मॉनिटरिंग करेगी, ना ही कभी इनकी सैंपल लेगी। ये तो गलती से, इत्तेफाक से एक बार यदि मान लीजिए कि मैगी का सैंपल आ गया और सारे सैंपल इनके यहाँ आए, CFSL कलकत्ता में भी फेल हुई है, उसके बावजूद भी आज उत्तर प्रदेश में किसी भी दुकान से कभी भी मैगी का सैंपल नहीं ले आ सकता। और कभी किसी पत्रकार ने आज तक ये नहीं पूछा प्रमुख सचिव खास सुरक्षा से कि आपने मैगी का सैंपल क्यों बंद कर दिया। ये ऊपर से नीचे तक ये मिली भगत है। आप देखिए कि जब पराग के सैंपल में पाया गया यूरिया, तो पराग के MDO GM का प्रोसिक्यूशन नहीं हुआ। आज एक प्राइवेट आदमी का अगर ये दूध पकड़ा गया, प्राइवेट कंपनी का, तो देखिए हाय तो बामची हुई है। तो आप ये समझिए कि ये फूड बिजनेस वालों का जो ये काकस है जी, ये सरकार की मिली भगत है, इसमें छोटे से लेके बड़े तक सब इन्वॉल्व हैं। और यही नहीं, अब उत्तर प्रदेश में 2-3 कानून ऐसे बना दिए हैं कि फूड सेफ्टी अफसर किसी का डायरेक्ट सैंपल नहीं ले सकता। स्टेट्यूट में, एक्ट में उनको पावर दिया गया है कि वो किसी भी दुकान का, किसी भी समय, किसी भी फूड इंडस्ट्री का सैंपल ले सकते हैं, लेकिन अब उनके ऊपर अंकुश लगा दिया। इसी तरह से कहा कि साहब जहां DO नहीं वहां DO, फर्स्ट क्लास MSC जो DO अपॉइंट होते हैं, जिनकी क्वालिफिकेशन इसमें एक्ट में है, उसकी जगह कह दिया कि साहब SDM को चार्ज दे देंगे जी। तो ये जो खाद के कारोबारी हैं, इन्होंने एक ऐसा अपना चैनल बना रखा है कि एक्ट कागजों तक केवल सिमट के रह गया है। आज की तारीख में आप अगर किसी को कहते हैं कि साहब फला दुकान का सैंपल ले दीजिए, उसका पनीर सड़ा है, उसका रसगुल्ला सड़ा है, उसका सैंपल लेने में उत्तर प्रदेश राज्य में कम से कम 25 दिन लगेंगे। क्या 25 दिन आपका रसगुल्ला बचा रहेगा? इसी के पासबुक फारे मैन, यानी कि आपको यही लगता है कि नियमों में थोड़ा बहुत हेर फेर करके कहीं ना कहीं राहत का एक रास्ता भी निकालने की कोशिश की जाती है, और जिस जिम्मेदारी के साथ निर्वहन किया जाना चाहिए वो निर्वहन ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा है। एक और कॉलर SS पांडे जी हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। पांडे जी, बहुत स्वागत है आपका। मैं बीके सिंह जी आपके पास आऊंगा। बिल्कुल, मैं आपके पास आऊंगा। लगातार हम इस अधिनियम से जुड़े तमाम और बारीकियों को भी समझने का प्रयास करेंगे। पांडे जी, बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल कीजिए। हाँ, मैं बीके सिंह जी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जी 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 श्रीमान जी, मैं लखनऊ से बोल रहा हूँ, सारा स्टेट से। मैं भी एडवोकेट हूँ जी, और मैंने यहाँ पे जो है बाल गोपाल मिठाई वाले हैं, उनके यहाँ से समोसे खरीदे थे, और उसमें कोका कोला बोतल का एक कांच का टुकड़ा निकला जी, जो अगर गले इतना नुकीला था, अगर खा जाता मैं तो सर वो एक्चुअली जो है मुझे कुछ भी हो सकता था, लेकिन संयोग से वो मेरे दांत में लगा जी। और मैंने उससे शिकायत की तो वो कहने लगे कि आप जो है जो जैसा आप अभी बता रहे थे कि ये कानून के इन्फोर्समेंट की बात होती है, एक्चुअली कांच का टुकड़ा निकलने के बाद भी मिठाई वाले ने मुझसे कहा कि साहब ऐसा है कि दूसरे समोसे ले लीजिए और इस पे हम कोई कार्यवाही नहीं करेंगे, और जैसा कि आपने बताया कि उसमें तुरंत जो है कोई कार्यवाही करने में असमर्थ रहा, तो इसके ऐसे कंडीशन में क्या हम लोग कर सकते हैं?
बिल्कुल सवाल इसी बात को लेकर है, इसीलिए आज हम इस बहस को भी लेकर आए। ऐसी कंडीशन में एक्ट में और रूल में सेल्फ सैंपलिंग की व्यवस्था दी गई है, आप दो प्राइवेट विटनेस लीजिए, उसके मालिक का दस्तखत कराइए, वही सैंपल को खुद सील करिए, उसके बाद इसको स्टेट लैब में भेजिए और स्टेट लैब के बाद इसको सीएफएसएल कलकत्ता भेजिए। ये प्रक्रिया थोड़ी जटिल है। आम आदमी ने देखा कि समोसा में कॉकरोच पड़ा हुआ है, समोसा बदल दिया, दूसरा समोसा दे दिया, ये तो व्यापारी के लाभ के लिए हो गया ना। उत्तर प्रदेश में दूध वाले जो दूधिया बाल्टी में दूध बेचता है पानी मिला के, उसको तो 5,000 रुपए फाइन, उसको तो 1,00,000 रुपए का फाइन एडीएम करता है। और जो बड़े बड़े कारोबारी हैं जिनके पास दूध के बड़े बड़े वो हैं चिल प्लांट वगैरह, उनके ऊपर 5,000 का फाइन। तो नियमों का जो तोड़ मड़ोड़ के जो लाभ ले रहे हैं, जैसे रामगोपाल जी कह रहे हैं जी जी, अगर उसी समय ये बुलाते, डीओ आता और उसका फूड सेफ्टी अफसर आता, सैंपल करता, पूरे जिले में एक मैसेज आता कि आज आज के बाद से किसी ने किया, तो ऐसा हो सकता है। इस समय उत्तर प्रदेश में कहीं कोई सैंपलिंग हो ही नहीं रही है। दिवाली और होली के मौके पर सैंपल लेकर के लोग खाना, बिल्कुल खाद्य विभाग की टीमों को भी हम देखते हैं, ये त्योहारों के मौके पर वो सक्रिय जरूर होते हैं, लेकिन वो भी सक्रियता किस तरह से होती है ये भी किसी से छिपा नहीं है। सुरीता शर्मा जी, जो अभी बीके सिंह जी की तरफ से कहा गया कि लोग अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेकर भी गवाहों के साथ में अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं, सैंपलिंग के लिए भेज सकते हैं, क्या ये एक आम आदमी के लिए प्रोसेस संभव है कि लोग इन शिकायतों को लेकर इतनी ज्यादा आगे तक दांव पेच में फंसना चाहें? बिल्कुल, हर जी जी हर व्यक्ति को सजग होना चाहिए। अगर उसको कोई ऐसा खाद्य पदार्थ या पेय पदार्थ मिलता है जिसमें कि कुछ गड़बड़ है, तो वो खुद भी सैंपलिंग करके और उसको स्टेटमेंट इन्फॉर्म कर सकता है, या फिर फूड एनालिस्ट को बुलाकर और वहां लेबोरेटरी में भेजा सकता है। ये बड़ी दुख की बात है कि लोग इस एक्ट से अवेयर नहीं है, इस एक्ट का कोई प्रचार प्रसार नहीं है, और जिसका जो मन चाह रहा है वो कर रहा है। इसमें बड़े बड़े लोग भी इन्वॉल्व है, क्योंकि पैकेट बंद का जमाना ज्यादा, हर चीज पैकेट बंद आ रहा है, तो इसमें जो बड़े बड़े व्यापारी और बड़े बड़े लोग मिले जुले हैं वो कुछ करना नहीं चाहते हैं। इसके लिए तो हर व्यक्ति को खुद भी सजग होना चाहिए, और जब सजग होकर करेगा तो ये कुछ ना कुछ हल जरूर निकलेगा। और इस एक्ट का प्रचार और प्रसार बिल्कुल नहीं है, ये सिर्फ किताबों में ही सिमटा हुआ, पेपरों में। ठीक ठीक, बड़े संक्षेप में और आपसे भी कि क्या कुछ और कदम बढ़ाए जाए ताकि इस अधिनियम का ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे। इसमें जो है सबसे जरूरी है सेंट्रल, इसमें तो बहुत सारी, इस एक्ट को काफी ब्रॉड बनाया गया। मैंने शुरू में ही कहा था कि इस एक्ट को काफी ब्रॉड बनाया गया, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है, लेकिन जहां तक इन्फोर्समेंट की बात है, ये एक्ट लागू हुआ है 15 अक्टूबर 2007 को। जी जी, ये इन्फोर्स हुआ है, इसके कुछ सेक्शन बाद में भी इन्फोर्स हुए हैं, लेकिन ज्यादातर जो इन्फोर्समेंट की शुरुआत हुई इसके कहती है वो 15 अक्टूबर 2007 को शुरू हुई। जी जी, इसमें साइंटिफिक पैनल की भी बात की गई है, जो 6 साइंटिस्टों की एक पैनल होती है, सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी भी है इसमें, जो भारत सरकार को गाइड करते हैं कि हर क्षेत्र के लोग होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग के होते हैं, किसान फार्मर के यूनियन से होते हैं, हर क्षेत्र के लोग इसमें होते हैं। बिल्कुल, ये नियमों की जो हम बात कर रहे थे कि नियम कायदे तो तमाम बने हुए हैं कि इनका अगर कड़ाई से पालन अगर किया जाए तो काफी हद तक राहत हो सकती है, लेकिन बीके सिंह जी ने भी सवाल उठाया कि अभी भी बहुत कमियां हैं, इन कमियों को दूर किए जाने की जरूरत है, और तभी इस अधिनियम का असल उद्देश्य भी पूरा होगा। बहुत शुक्रिया आपको, बहुत धन्यवाद, आपने इस इतने अच्छे मुद्दे को अपने चैनल से दिखाए। चलिए बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, समय का अभाव भी है, कार्यक्रम का समापन का वक्त हो गया। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। एपीएन न्यूज़ में खबरों का सिलसिला लगातार जारी।